हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैशाली। वैशाली इस वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रोस्टेड मूंगफली के लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं, तो यहाँ पे मैंने रोस्टेड मूंगफली ली है और मैंने इसको पहले दरदरा पीसा था और वापस थोड़ा पीसना चाहती थी और पीस लिया, तो देखो इसका तेल थोड़ा सा निकल आया है। तो ऐसी कंसिस्टेंसी हमें उसकी चाहिए। गुड़ और मूँगफली के साथ खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गुड़ और मूंगफली अगर साथ में खाया जाए तो ये बहुत गर्म होती है और इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये सर्दी और ज़ुकाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है, उसके बाद थोड़ा सा मैं घी डाल रही हूँ। घी ऑप्शनल है क्योंकि ऑलरेडी इसका तेल छूटा हुआ है। अगर आप चाहे तो डाल सकते हो, चाहे तो नहीं भी डाल सकते हो, मगर घी से थोड़ा स्वाद इसका बढ़ेगा, इसलिए मैंने एक ही चम्मच घी डाला है। इसको अच्छे से हमें मिक्स करके लेना है। ये जो लड्डू है बहुत आसानी से बन जाते हैं। सर्दियों के मौसम में आप इसको बना सकते हैं, अभी बारिश के मौसम में बना सकते हो। टिफ़िन के लिए कुछ मीठा देना है बच्चों को सुबह सुबह, तो ये आप पहले से बना के रख सकते हो और ये झट से भी बन जाते हैं। इसको ना पकाना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है, और ऐसे हम इसके छोटे छोटे लड्डू बनाने जा रहे हैं। हमारे ब्लड को ये डिटॉक्सिफाइड करता है, प्लस हड्डियों को मजबूत करने में इसकी बहुत ही मदद होती है। इससे हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है और पाचक में भी सहायता करता है। तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यम्मी लड्डू लगते हैं। आप भी खा के देखिए, बहुत ही आसान तरीका है बनाने का। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।